Peak hour compensation. Now, most of the notifications all across India. ये क्वेश्चन आया था सर, ये क्वेश्चन ये आया है एक हमारे सब्सक्राइबर से, ये है पावर कंजम्पशन ड्यूरिंग पीक आवर्स ऑफ डे इज नॉट अलाउड टू बी कॉम्पनसेटेड अगेंस्ट द बैंक पावर, विल इट नॉट अफेक्ट द टारगेट ऑफ अचीविंग नेट जीरो स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर्स? इसके बारे में क्या थॉट है आपके? जी बोलिए सर, बिल्कुल बिल्कुल, इट विल डेफिनेटली अफेक्ट, बिकॉज इफ यू रिड्यूस 3 hours और 4 hours ऑफ पावर कंजम्पशन, पीक पावर कंजम्पशन फ्रॉम द जनरेटेड पावर, तो नेचुरली आपका नेट जीरो स्टेटस कभी भी नहीं आ सकता उसके लिए. एक्चुअली लेट अस फर्स्ट सी व्हाई दे दिस काइंड ऑफ अ कैपिंग इज इंट्रोड्यूस. इट इज प्योरली ऑन कमर्शियल टर्म्स, देयर इज नो टेक्निकल रीजन, प्योरली कमर्शियल रीजन इज I am a solar producer, I am solar power producer, I am injecting power during daytime. उस टाइम पे क्या होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, दे हैव साइंड अ लॉन्ग टर्म पीपीए वेयर इन दे बाय पावर एट 2 रुपीज 50 पैसा, 3 रुपीज 50 पैसा, वट एवर. इवनिंग वेन माई प्रोडक्शन इज नॉट देयर बट आई वॉन्ट यूनिट टू यूनिट कॉम्पेंसेशन, दैट टाइम द कॉस्ट ऑफ यूनिट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हैज गॉन अप बिकॉज ऑफ द पीक डिमांड इन द इवनिंग. दे हैव साइंड अ शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट मे बी विथ मर्चेंट पावर प्लांट, मे बी विथ ट्रेडर, which could be 8 rupees, 9 rupees, 10 rupees. So commercially it is not viable. Definitely not viable. So hum bhi chahte hain ki distribution company should be healthy because we need the grid, stable grid for generation of power. We need stable grid for storage of power. So we need distribution company should be healthy. But iska matlab ye nahi ki uska compensation hi band kar do wo period ka. That was okay in 2014. Whatever decision was taken by ministry, it was okay, fine. But what is the need of today? Today we are talking of net zero. So what I suggest is we can introduce a multiplying factor. If depending on the rate difference, the state regulatory commission can decide a multiplying factor based on which the compensation can be given. Maybe 2 units to 1 unit of my consumption, or 2.5 or 3 units, depending on the rate difference, a multiplying factor can be introduced. अभी आप बोलेंगे कि भाई सीजन टू सीजन भी तो चेंज होता है, दिवाली में पीक सीजन है, इवनिंग न्यू ईयर में पीक सीजन है, उस टाइम पे तो 10-12-14 रुपया रेट चले जाता है. सो ओके फाइन, वी आर हैंडलिंग सिमिलर सिचुएशन इन केस ऑफ कोल ऑल्सो. फ्यूएल एडजस्टमेंट सरचार्ज हम लोग तो देते ही है, दैट इज बेस्ड ऑन दिस स्टेट रेगुलेटरी कमीशन ऑर्डर. सो लेट देम इश्यू दिस ऑर्डर ऑल्सो. सरचार्ज भी देते हैं सर. और अभी क्या हुआ, जैसे कि पराली को कंटेन करने के लिए जो पैलेट्स बनाए गए थे, सो पैलेट्स जब थर्मल पावर प्लांट में जाते हैं, उनको पैलेट्स को रिन्यूएबल सोर्स फीड स्टॉक है, वो थोड़ा रिन्यूएबल सोर्स माना जाता है क्योंकि वो फिर से रीजनरेट हो जाएंगे. अब पैलेट्स में भी कॉस्टिंग कोल से ज्यादा आ रही थी, तो जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, उन्होंने सब में उसमें एडजस्टमेंट कर दिया, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस में कर दिया है उसको, मतलब जो टैरिफ में इंक्लूड हो जाएगा.